हो गया मेरे पास, आइटम तो छोटा है बट कूड़ा बहुत सारा हो गया है। देखो इतना सारे सामान दिया उन्होंने मेरे को इसके साथ, खाली समझ नहीं आई बात कि इसमें कि इतना बड़ा क्यों दे दिया। ये छोटा सा मिनी सा तो वो है, कुछ और है क्या इसके अंदर? बट इसके अंदर कुछ नहीं है। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर में सारे स्वस्थ होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के लॉकडाउन से। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ दोपहर के 2 बजे, क्योंकि इस समय मैं थोड़ा सा फ्री हुआ था तो सोचा एक छोटा सा मिनी ब्लॉग बनाकर आप लोगों के सामने आऊँ, क्योंकि वैसे भी टाइम तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता मेरे पास। अच्छा, तो थोड़ा सा फ्री टाइम था तो सोचा एक थोड़ा सा आप लोगों से वीडियो बना के मुलाकात कर लें। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और वीडियो बनाने का कुछ खास ज्यादा मकसद नहीं था आज, क्योंकि मैंने काफी टाइम से मतलब एक चीज सोच रहा था कि मैं अपने लिए वीडियो बनाने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए कुछ ट्राइपॉड मंगाऊं, जैसे कि मैंने मंगाया भी था एक पहले, बट बेचारा ये टूट गया। ये है जिम्बल, 2200 रुपए का मंगवाया था बट इसके नीचे से क्रैक हो चुका है और फेविक्विक लगा के भी ये काम नहीं कर रहा है। अब ये पड़ा हुआ है कबाड़ में, तो इस कबाड़ से बढ़िया मैंने सोचा कि कुछ, ये तो बहुत महंगा मंगाया था बट क्या करें, अनसक्सेसफुल हो गया। अभी ज़्यादा महंगा नहीं है, ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, तकरीबन 1000 रुपये के लेवल में मैंने एक ट्राइपॉड मंगाया है। इसी वीडियो को यही चीज़ दिखाने के लिए आप लोगों के सामने मैंने एक ये ब्लॉग बनाया है कि मैंने एक ट्राइपॉड मंगाया है, तकरीबन ज़्यादा नहीं 1000 समथिंग के रेंज में है, वो भी इसलिए कि थोड़ा शॉर्ट वीडियो बना सकूँ और अपने फ़ोन को इस्टेब्लिश कर सकूँ। और ब्लॉग बनाऊँ तो मतलब कहीं फ़ोन को मेरे को ज़मीन में रख के ना बनाना पड़े, इसलिए मैंने सोचा कि ट्राइपॉड मंगा लेता हूँ। तो गाइस देखिए मतलब मैंने ट्राइपॉड जो मंगा रखा है, उस ट्राइपॉड की क्वालिटी क्या है, कैसी है, अगर किसी ने इसको इस्तेमाल किया है तो मुझे इसकी मतलब कमियां बताएं कि कैसा है, मतलब ये सही रहेगा मेरे लिए अगर ख़राब, अगर आप लोग के कमेंट में आप लोग मुझे कमेंट में बता सकें कि मतलब ये सही है या ख़राब है, तो जो भी मुझे अगर इसके मतलब कोई पॉजिटिव पॉइंट बताएगा तो मैं तभी इसको रखूँगा, अगर कोई नेगेटिव पॉइंट बताएगी कि ख़राब है तो मैं इसको रिप्लेस भी कर सकता हूँ, फिर एक्सचेंज कर सकता हूँ कि नया मंगा सकता हूँ। तो दोस्तों मैं अब इसको खोलने जा रहा हूँ, तो आप लोग देखें और बताएं मुझे कमेंट में कि कैसा है ये। तो गाइस फाइनली मेरा ये फ्लिपकार्ट के थ्रू मैंने मंगाया है ट्राईपोड, जो कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं अपने लिए ट्राईपोड मंगाऊं। तो अभी इसको देखते हैं ट्राईपोड खोल के कि इसके अंदर क्या क्या है, जैसे मैंने मंगवाया है क्या वैसे ही है या फिर कुछ इसमें चेंजमेंट है, तो आपको दिखाता हूँ इसको खोल के। आज आ गया है मेरा ट्राईपोड, तो इसको आप खोल के देखते हैं कैसा है, इसके अंदर क्या है, जो मंगाया था वही माल आया है या फिर कुछ और आ रखा है इसमें, तो ऑन करके देखते हैं इसको भी। तो गाइस ये निकला हमारा लाइट वाला सिस्टम, देखते हैं इसका क्या और अंदर क्या है। और गाइस ये निकला हमारा ट्राइपॉड, आप देखते हैं इसको लगा के कैसा है ये। गाइस ये काफ़ी लेंथ में काफ़ी बड़ा है वैसे, इसको अगर हम और खोले लंबा तो काफ़ी लंबा जा सकता है, इसलिए फिलहाल छोटा रखते हैं इसको, छोटे में ट्राई करते हैं छोटे में कितना है इसका जैकेट। आप गाइस ये है मेरा ट्राइपॉड, इसके पूरा एक्सेसरी जोड़ के देखते हैं। और
गाइस ये है इसका लाइटिंग का सिस्टम, तो भी देखते हैं हम लोग। तो गाइस ये है इसके अंदर लाइटिंग का सिस्टम, तो देखते हैं अभी लगा के। और ये है मोबाइल होल्डर। और गाइस ये है हमारा किसका माता वही, ये है हमारा बल्ब होल्डर। सो गाइस ये है मेरा ट्राइपॉड, इसकी लेंथ काफ़ी है, वैसे अभी मैंने छोटा किया हुआ है। और ये है इसका लाइटिंग का सिस्टम, ये है हमारा मोबाइल होल्डर, और ये है हमारा क्या बोलते हैं लाइटिंग होल्डर, और ये है कैमरा लगाने के लिए इस पर, और ये है इसका वायर। तो अभी गाइस हम इसको जोड़ के देखते हैं कि कैसा काम करता है, कैसा वर्क करता है, तो वीडियो बने रहें आगे। गाइस पे जोड़ के देखते हैं, सो गाइस मेरा ये ट्राइपॉड जुड़ के हो चुका है तैयार। अब मैं इसकी करूँगा लाइटिंग चेक कि अगर ये कैसा काम कर रहा है, अगर ये खाली जोड़ तो दिया है, लाइट वाइट काम करती है नहीं करती है, एक बार देखते हैं लाइट जोड़ के। सो गाइस मेरा ये ट्राइपॉड सेट जुड़ के हो चुका है तैयार। इसमें जो कि लाइटिंग के फीचर्स भी हैं, इसमें ये देख लेते हैं कौन कौन से फीचर्स हैं इसमें। जैसे कि हम इसकी लाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं एंड कलर को चेंज भी कर सकते हैं इसमें, जैसे कि नाइट मोड एंड डे मोड के लिए। और इसमें इसके हम लाइट को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी दिखा मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये इसमें जो रिमोट कंट्रोल दिया हुआ है, ये सिस्टम इसको अप डाउन करने के लिए है। जैसे कि हम इसकी बड़ा यहाँ से करेंगे अभी के लिए, जैसे बड़ा हमने इसका लाइटिंग बढ़ाएंगे, और सेम इसके बाद क्या है इसमें कम कर सकते हैं इसकी लाइटिंग को, ये कर सकते हैं कम। और सेम हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे मोड को चेंज कर सकते हैं इसमें इसी में, और इसके साथ साथ हम इसको बंद यहीं से ऑफ भी कर सकते हैं ये। तो गाइस जैसे कि आपने देख लिया है कि मैंने एक ट्राइपॉड मंगा लिया अपने लिए, बट कुछ हद तक अच्छा भी है, कुछ कमियां भी हैं। चलो कमियां तो बाद में बताएंगे, बट अच्छा ये है कि इसमें मतलब वीडियो बनाने में जो मज़ा आ रहा है, मतलब बिल्कुल फ़ोन एक इस्टेब्लिश, बिल्कुल हम कुछ भी कर सकते हैं अपने मतलब फ्री माइंड से, और ट्राइपॉड बिल्कुल अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अप डाउन जितना भी हम चाहें। और इतना हल्का है कि मतलब इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं, जहां हमारी इच्छा होगी वहां हम इसको लेके जा सकते हैं और वीडियो इजीली बना सकते हैं। सो गाइस कैसा लगा आप लोगों को मेरा ट्राइपॉड, जो कि मेरा ट्राइपॉड मैंने काफ़ी दिन से सोच रहा था, आज फाइनली मेरे पास आ गया है और मैं इसे अब आज से वीडियोग्राफी करूँगा। तो कैसा लगा आपको मेरा ट्राइपॉड कमेंट्स में ज़रूर बताएं मुझे, क्या ये वीडियो बनाने के लिए सही है या फिर मुझे कुछ और नया मंगाना चाहिए था, कुछ अच्छा मंगाना चाहिए था, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए वीडियो में बस इतना ही, ये वीडियो सिर्फ ओनली फॉर आप लोगों को अपना ये ट्राइपॉड जो मंगवाया मैंने वो दिखाने के लिए था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ट्राइपॉड की नई वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय, जय हिंद, जय श्री कृष्णा।